अगली खबर अररिया से है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। बिहार पुलिस ने अररिया में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। पुलिस ने शराब के 106 कार्टन को जब्त किया है, जिसमें शराब की 2316 बोतलें मिली हैं। पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग दिखाए जाने के बाद बिहार में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और बिहार के कई इलाकों में एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बंगाल से शराब का खेप जो है चला है, जिसको कि अररिया से गुजरना था, इस पर इंटरसेप्शन करने के लिए टाउन थाना में भी लोग लगे था, जोकी में भी लगे थे, बरगाछी में भी लगे थे। लेकिन बरगाछी के पास भंगिया पुल के पास एक पिकअप वाहन पकड़ाया WB73F9873, जिसमें टोटल 106 कार्टून जो है शराब बरामद हुआ, जो 2316 बोतल है और कुल 954 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कृष्णा यादव एक का नाम है और दूसरा का नाम है चिरंजीत गुप्ता है। ये दोनों जो रहने वाला है, एक जो है चंपा साड़ी सिली गुड़ी का रहने वाला, प्रधान नगर में है जो का रहने वाला है, और ये शराब को लेकर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कहीं ले जाने वाला था। बोला कि मोबाइल पर खबर करेगा, उसका मोबाइल नंबर लिया है फॉरवर्ड लिंकेज के लिए, और बैकवर्ड लिंकेज के लिए भी वाहन कहां से लूट किया था इसके बारे में भी पता किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य इस समय लाइव मौजूद हैं। आदित्य, टाइम्स ऑफ नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब एक के बाद एक हम कार्रवाई होती देख रहे हैं, गिरफ्तारी होती देख रहे हैं। हेलो जी आदित्य, आवाज पहुंच रही है मेरी? आदित्य तक लगता है आवाज़ नहीं जा रही है। फिर से आपको बता दें, खबर ये अररिया से है। छापेमारी एक बार फिर से बिहार पुलिस की और भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। 106 कार्टन जब्त हुए हैं, 2316 बोतलें मिली हैं शराब की। पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अब आवाज़ आ रही है। हाँ आदित्य, मैं कह रही हूँ टाइम्स ऑफ नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब बड़ा असर हम होता देख रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल, एक के बाद एक कार्रवाई जारी है और अलग अलग जिलों से अलग अलग इनपुट्स आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जो उत्पाद विभाग थोड़ा सुषुप्त अवस्था में था, अब वो भी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है और उसने भी अपनी लीड्स को कन्वर्ट करना शुरू किया है। एक्शनेबल इनपुट्स की बात की गई थी पिछली रिव्यू मीटिंग में, लगता है कि ये वही एक्शनेबल इनपुट्स हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी हो रहा है जिसमें कई बार पुलिस को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें ओवर रीच की बात भी आ रही है सामने। आदित्य आप रहिएगा मेरे साथ, मैं वापस लौटती हूँ। वहीं बिहार